असलम डियर इस्टूडेंट्स माई नेम इज़ डॉक्टर शाहस्दा टोडे वी विल गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स नेम्ड चिल्ड्रेन लिटरेचर एंड एजुकेशनल गेम्स इससे पहले कि हम यूनिट वन पे आएँ और डिस्कस करें कि यूनिट वन में क्या है हमें यह समझना ज़रूरी है कि ये कोर्स किस के लिए है ये कोर्स इस्पेली डिज़ाइन किया गया है हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के लिए जो कि हमारे बी एड के स्टूडेंट्स होते हैं और ये कोर्स स्पेशली डिजाइन किया गया है उन टीचर्स के लिए जो कि प्री स्कूल में जाके पढ़ाएंगे और इस कोर्स में जो हम बच्चे कैटर करेंगे उनकी उम्र है जीरो से लेके आठ साल तक की सो so, आठ साल तक के बच्चों के लिए आपको पता ही है कि टीचर्स के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज का होना जरूरी है वही मैथ के टीचर हैं वही साइंस के टीचर हैं वही स्पोर्ट्स के टीचर हैं वही गेम्स के टीचर्स हैं और वही लिटरेचर के टीचर्स हैं सो दिस इज अ स्पेशल कोर्स दैट वी हैव डिजाइन फॉर आर बी स्टूडेंट्स तो लेट्स मूव ऑन टू यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर वन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं यूनिट नंबर वन के अंदर हमारे पास तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़ने जाएंगे हमारा टॉपिक नंबर वन है आपके सामने है नीड ऑफ लिटरेचर फॉर यंग चिल्ड्रन और लिटरेचर फॉर यंग चिल्ड्रन में हम ये टॉपिक्स जो हैं इनको पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बच्चों की कॉग्निटिव नीड को लिटरेचर कैसे पूरा करता है बच्चों की कल्चर कॉम्पिटेंस को लिटरेचर कैसे डिवेलप करता है बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस को लिटरेचर कैसे हेल्प आउट करता है और उनकी क्रिएटिविटी को कैसे इनकरेज करता है और उनकी पर्सनैलिटी और सोशल डेवलपमेंट में कैसे उनको हेल्प आउट करता है जब हम ये कर लेंगे तो हम यूनिट वन के टॉपिक नंबर टू की तरफ आएंगे हम देखते हैं टॉपिक नंबर टू में हमारे पास क्या चीजें मौजूद हैं इट इज सलेक्टिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रेन बर्थ थ्रू सिक्स और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास तीन उम्र के बच्चे आ रहे हैं सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं टॉटलर्स फिर हमारे पास आ रहे हैं दो से चार साल के बच्चे और फिर चार से छह साल के बच्चे हम ये देखेंगे कि हमें किस किस्म की किताबें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए क्या हम कोई भी किताब बच्चों को पढ़ा सकते हैं जी नहीं हमें किताबों की सिलेक्शन करनी पड़ती है और उसके लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स का होना जरूरी है जिसको हम स्टडी करेंगे कि वो क्या है और उन प्रिंसिपल के ऊपर किताब का डिज़ाइन एट्रीब्यूट कैसा होना चाहिए उसका कॉन्टेक्स एट्रीब्यूट कैसा होना चाहिए और उसकी डायरेक्टिव वैल्यू कैसी होनी चाहिए ये हम स्टडी करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा हमारे इस यूनिट का आखिरी टॉपिक जिसका नाम है चिल्ड्रन राइट टू रीड आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये हो के हैरानगी होगी कि रीडिंग जो है इट इज ह्यूमन राइट एंड चाइल्ड राइट बिल्कुल जनाब ये चाइल्ड राइट है और यहाँ सिर्फ पांच राइट दिए हुए हैं हम इस टॉपिक को जब एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें हम दस राइट पढ़ेंगे सो so, हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं बच्चों के जो रीडिंग से रिलेटेड है पहला ही राइट रीडिंग करने का है ये उनका हक है कि उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाए दूसरा राइट है कि उन्हें प्रिंट में और टेक्सट में और डिजिटल में हम उन्हें किताबें प्रोवाइड करें जब किताबें होंगी तो वो पढ़ सकेंगे देन वट वी हैव वो वो चीज़ें पढ़ सकें जो वो पढ़ना चाहते हैं ना कि हम उन्हें ज़बरदस्ती अपनी मर्जी की किताबें दें उनको चॉइसेस देना बहुत ज़रूरी देन वी हैव रीड फॉर प्लेयर हमें हर दफ़ा एकेडमिक्स के लिए नहीं पढ़ाना हमें प्लेयर इंजॉयमेंट के लिए भी पढ़ाना है ताकि वो जिंदगी को समझ सकें और लिटरेचर से अपना एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें देन वॉट दे नीड दे नीड सपोर्टिव रीडिंग एनवाइट विद नॉलेज लिटरेटी पार्टनर लिटरेसी पार्टनर्स का होना जरूरी है ताकि हम उनके साथ मिलकर बच्चों को एक अच्छा रीडिंग एनवायरनमेंट दे सकें और वो हमें हेल्प आउट कर सकें कि हमने बच्चों को लिटरेचर कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी नीड एक्सटेंडेड टाइम हमारे पेरेंट्स को भी और टीचर को हमें एक एक्सटेंडेड टाइम निकालना है जिसमें हम बच्चों के साथ बैठें उनके साथ रीडिंग को कोजल करें और उसको एन्जॉय कर सकें तो डियर स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे अपने यूनिट नंबर वन के टॉपिक नंबर वन में उस वक़्त तक Thank you so much.